दोस्तों सुपर हीरो की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी। आयरन मैन से लेकर सुपरमैन तक की कूल पावर्स देखकर आपका भी ये मन करता होगा कि काश यार ये पावर्स हमारे पास भी होती। पर आखिर में आप भी यही सोचेंगे कि ये सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि हकीकत में भी कई ऐसे इंसान हैं जिनके पास जन्म से ही कुछ बेहद अजीबोगरीब शक्तियां हैं। ऐसी शक्तियां जिन्हें एक्सप्लेन करने में बड़े बड़े साइंटिस्टों के पसीने छूट गए। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ही लोग जो अद्भुत सुपर पावर्स के मालिक हैं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका द फैक्टलैंड पर। जेडी एंडरसन। दोस्तों दुनिया में आपने एक से एक ताकतवर लोग देखे होंगे, लेकिन जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं शायद ही आपने ऐसा कोई इंसान देखा होगा। हम बात कर रहे हैं जेडी एंडरसन की। बहुत से लोग इन्हें आइसमैन के नाम से भी जानते हैं। महज 33 साल के जेडी अब तक 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। इनके हाथों में इतनी ताकत है कि ये अपने बाइसेप्स से ही बेसबॉल के बैट को तोड़ सकते हैं, लोहे के फ्राई पैन को चंद सेकंड में मोड़ सकते हैं। इन्हें आइसमैन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जहाँ कुछ देर बर्फ को हाथ लगाने में बहुत से लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं, वहीं ये आइसमैन हैवी आइस ब्लॉक्स को अपने सर से तोड़ देते हैं। किसी इंसान के द्वारा तोड़ी गई सबसे ज्यादा आइस ब्लॉक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। सिर्फ इतना ही नहीं, जेडी दुनिया के अलग अलग कोनों में घूमकर लोगों को मेहनत करने और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए भी इंस्पायर करते हैं। राजमोहन नायर। वैसे दोस्तों भारत में भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास कुछ बेहद ही खास सुपर पावर्स हैं। इस लिस्ट में शामिल है केरल के रहने वाले राजमोहन नायर, जिन्हें लोग इलेक्ट्रोमैन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इनकी सुपर पावर है कि ये अपनी बॉडी में 500 वॉट तक का बिजली के झटके बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। जब साइंटिस्ट ने इन्हें देखा तो वो भी हैरान रह गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि राजमोहन का शरीर आम इंसान के मुकाबले 10 गुना ज्यादा करंट झेल सकता है। वैसे इस इलेक्ट्रोमैन की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल 7 साल की उम्र में राजमोहन की माँ की डेथ हो गई थी। इस घटना से वो काफी टूट गए थे और सुसाइड करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए, लेकिन जब उन्होंने बिजली की तारों को पकड़ा तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो बाकी लोगों से उन्हें अलग बना देती है। दोस्तों इनकी ये वीडियो देखने के बाद हम आपको एक ही सलाह देंगे, इनमें से कोई भी स्टंट आप अपने घर पर करने का प्रयास बिल्कुल मत करना। हसना मोहम्मद मसलमानी। दोस्तों अगर आपने एक्समैन मूवी देखी होगी तो उसके एक कैरेक्टर को भी देखा होगा जो अपने आप को डायमंड में बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों अगर हम आपको ये बताएं कि रियल लाइफ में भी एक ऐसी लड़की है तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? हालांकि ये लड़की खुद तो डायमंड नहीं बन सकती, मगर आप इसकी आंखों से क्रिस्टल निकलते हुए जरूर देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको पागल बना रहे हैं। नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों हसना मोहम्मद नाम की इस लड़की के आंखों से हकीकत में क्रिस्टल के टुकड़े निकलते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए, पहली बार 1996 में हसना के बाएं आंख से क्रिस्टल निकला था। जब उसके पेरेंट्स ने उसकी आंखों से क्रिस्टल निकलता देखा तो वो हैरान रह गए। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी इसे देखकर काफी चौंक गए थे। वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि महज 12 साल की बच्ची की आंखों से इतना शार्प क्रिस्टल कैसे निकल सकता है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस बच्ची की आंखों से ये क्रिस्टल निकलते वक्त ना इसे दर्द होता है और ना ही इसकी आंखों को कोई नुकसान होता है। ज्योति राज। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खतरनाक काम पल भर में कर देते हैं। उन्हीं में से एक है कर्नाटक की चित्रदुर्गा में रहने वाले रॉक क्लाइंबर ज्योतिराज। ज्योतिराज को कोई मंकी मैन तो कोई देसी स्पाइडरमैन और कोठी राजू कहकर भी बुलाते हैं, क्योंकि वो बिना किसी सहारे के बड़ी से बड़ी दीवारों पर चढ़ जाते हैं। इन्होंने कर्नाटक के चित्रदुर्गा फोर्ट की दीवारों पर बिना किसी सहारे के चढ़ने का कारनामा चंद मिनटों में कर दिखाया। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योतिराज वो इकलौते शख्स हैं जिन्होंने वाटरफ्लो के विपरीत जाकर कर्नाटक के सबसे ऊंचे जॉग वाटरफॉल पर चढ़ाई की थी। बता दें कि ज्योतिराज की इच्छा अब दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा पर चढ़ने की है। वैसे ज्योतिराज एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। उन्होंने साल 2014 में आई फिल्म ज्योति अलियास कोठीराजा से एक्टिंग में डेब्यू किया था। वेलू राधाकृष्णन। दोस्तों अब देखिए ये वीडियो। जी नहीं, ये ट्रेन के सामने आत्महत्या करने के लिए नहीं बैठे हैं। इन्हें जरा दूसरे एंगल से देखिए, तब शायद आपको माजरा कुछ समझ में आए।
जी हाँ, सही समझा, ये यहाँ अपनी और अपने दांतों की ताकत दिखाने बैठे हैं। दोस्तों, वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम है वेलू राधाकृष्णन, जो कि मलेशिया के रहने वाले हैं। भारतीय मूल के राधाकृष्णन अपने दांतों से पूरी की पूरी ट्रेन खींच सकते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक वेलू ने सबसे पहले 2003 में और फिर अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 2007 में 260 टन वजन वाली ट्रेन को 13 फीट तक अपने दांतों से खींचकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस कारनामे के बाद तो उनको पूरी दुनिया मिस्टर टीथ के नाम से जानने लग गई है। उनका कहना है कि वो 14 साल की उम्र से इस स्टंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई डॉक्टरों का कहना है कि उनके दांत उस उम्र में भी पहले की तरह स्वस्थ हैं। केविन रिचर्डसन। दोस्तों, क्या आपने कभी इंसान को किन्हीं जानवरों से बात करते देखा और सुना है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको बताते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो ना सिर्फ जानवरों के साथ रहते हैं बल्कि खूंखार जंगली जानवरों से बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केविन रिचर्डसन की, जिन्हें द लॉयन विस्पर कहकर भी बुलाया जाता है। ये एक साउथ अफ्रीकन यूट्यूब पर्सनैलिटी और वाइल्ड लाइफ कॉन्वर्सेशनिस्ट है, जिसके पास एक ऐसी सुपर पावर है जिससे वो किसी भी जंगली जानवर से बात कर सकते हैं और उनकी भाषा भी समझ सकते हैं। केविन अफ्रीकन लायन, ब्लैक लियोपर्ड, स्पॉटेड हाइनास और स्ट्रिप्ड हाइनास जैसे बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवरों से इशारों में बात करते हैं। दोस्तों, ये आपको सुनने में जरूर अजीब लग सकता है, लेकिन ये जानवर भी केविन से ऐसे मिलते हैं जैसे उनके पालतू जानवर हो। डीन कार्नेस। दोस्तों, मिलिए इनसे। ये है डीन कार्नेस, जिन्हें दुनिया सुपर रनिंग मैन के नाम से भी जानती है। 58 साल के डीन एक अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन रनर हैं, जो लगातार कई घंटों तक दौड़ सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डीन ने बिना रुके बिना थके 550 किलोमीटर तक की दौड़ महज 80 घंटे और 44 मिनट में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो दक्षिणी ध्रुव पर -13 डिग्री तापमान में भी दौड़ लगा चुके हैं। इसके अलावा 2006 में डीन लगातार 50 दिनों तक अपने देश के हर राज्य की मैराथन में दौड़े थे। कहा जाता है कि ये सुपर रनिंग मैन मुश्किल से मुश्किल मैराथन को बड़ी आसानी से पूरी कर लेता है। इनके सुपर पावर के बारे में जब साइंटिस्टों ने पता लगाया तो उन्होंने पाया कि डीन एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हैं। उनके शरीर में थका देने वाली वो सभी क्रियाएं होती हैं जो एक आम इंसान के शरीर में होती हैं, लेकिन दिमाग द्वारा भेजे गए सिग्नल मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण ना तो मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है और ना ही थकान। इसलिए लगातार डीन कई घंटों तक दौड़ते रहते हैं। एक बार तो डीन 3 रात 3 दिन तक बिना सोए दौड़ते रहे थे। वैसे दोस्तों, आप एक दिन में कितना दौड़ सकते हैं, ये हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। नॉन्ग यूही। दोस्तों, आपने एवेंजर्स मूवी तो देखी होगी, उसका वो कैरेक्टर याद है, हॉकाई, जिसकी तेज नजरों से कोई नहीं बच सकता था। हमारी लिस्ट में शामिल अगले मेहमान भी कुछ ऐसे ही है। ये है चाइना के रहने वाले नॉन्ग युहाई और पूरी दुनिया में अपनी आंखों के लिए मशहूर है। दरअसल नॉन्ग के पास एक ऐसी सुपर पावर है जिससे वो रात के अंधेरे में भी देख सकते और पढ़ सकते हैं। इनकी स्काई ब्लू आईज देखने में किसी काली बिल्ली की आंखों की तरह लगती हैं। और उससे भी खास बात तो ये है कि अगर इनकी आंखों पर टॉर्च की रोशनी मारी जाए तो वो नियॉन ग्रीन कलर के रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी जानवर की आंखों पर लाइट पड़ने में चमक आती है। अपनी इन्हीं खास आंखों की वजह से वो रात के अंधेरे में भी सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं। आपको बता दें कि जानवरों का ये नाइट विजन एक स्पेशल टाइप के सेल्स की लेयर की वजह से मिला है, जो कि रेट्रो रिफ्लेक्टर की तरह काम करती हैं। माने जब कोई हल्की रोशनी वाली तस्वीर हमारी रेटिना से होकर इन सेल्स के पास पहुंचती है तो ये सेल्स उस दृश्य की रोशनी बढ़ा देते हैं, जिससे हमें वो तस्वीर कम रोशनी में भी आसानी से दिख जाती है। हालांकि बहुत से डॉक्टरों का कहना है कि इंसानों में ये सेल्स पाया जाना नामुमकिन है। ऐसे में नॉन्ग के नाइट विजन को लेकर अभी भी कुछ लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी इस वीडियो में कौन सी सुपर पावर अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल द फैक्ट लैंड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।